बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाज़रीन, फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म व सितम का सिलसिला जारी है, जबकि दूसरी तरफ दुनिया भर में इसराइल के जंगी जराइम के खिलाफ मुजाहरे भी किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सलामती कौंसिल में जंग बंदी के लिए करारदाद को अमरीका की तरफ से वीटो किया जाना सारी दुनिया के लिए हैरान कुन है। इधर पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों से ज़ारे यकजहती का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हुकूमत से मुतालबा किया था कि वो हर हाल में फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखे। इस सिलसिले में आज एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए फ़लस्तीनी सफारत खाने पहुँच गए। वाज़ह रहे कि इस्लामाबाद में फ़लस्तीन के सफारत खाने में फ़लस्तीन का झंडा सरंग हुए और वहाँ शोक की फ़िज़ा है। सदर आरिफ अलवी, शाहिद खाकान अब्बासी और अली मोहम्मद खान ने फ़लस्तीनी सफारत खाने के हेड ऑफ मिशन से मुलाकात की। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के मौलाना हामिदुल हक हक्कानी, जमात इस्लामी के मियाँ असलम और मौलाना फजल रहमान खलील ने भी फ़लस्तीनी सफारत खाने का दौरा किया। मगर सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के सियासी व मजहबी रहनुमाओं का महज फ़लस्तीन के सफारत खाने का दौरा करना या सिर्फ फ़लस्तीन के हक में ज़बानी कलामी बयानबाजी फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए काफ़ी है, या फिर पाकिस्तान की हुकूमत सियासतदानों मजहबी रहनुमाओं और रियासतों को फ़लस्तीनियों की मदद के लिए बयानात से बढ़कर कुछ और भी करना होगा, ताकि पाकिस्तान की तरफ से तमाम मुस्लिम दुनिया समेत मगरबी ममालिक को भी एक मौसर और बेहतर पैगाम पहुंचाया जा सके। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि आज एक खसूसी चार्टर तैयारा कुछ इमदादी सामान लेकर इस्लामाबाद से गजा के लिए रवाना होगा। स्पेशल चार्टर तैयारे में इमदादी सामान मिस्र के ज़रिए गजा जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से गजा के लिए ज़रूरी अद्वियात, लिहाफ और टेंट भिजवाए गए हैं। हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि गजा अस्पताल पर हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान गजा में सीज फायर के हक में है। फ़लस्तीनियों के हक खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। गजा में इसराइली जारियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और इसराइल से फौरी सीज फायर का मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हालत ज़ार पर शदीद तशवीश है। इस ज़मन में पाकिस्तान OIC मेंबर स्टेट के साथ रबते में है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दुनिया को ये बावर कराने की ज़रूरत है कि गजा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पहुँचे। पाकिस्तानी वजीर खारजा ने ईरान, UAE और तर्किया के वज़रा खारजा से फ़लस्तीन के मसले पर बात की है। जी नाज़रीन, दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान मजीद बताया कि वजारत खारजा में गैर कानूनी तारकीन वतन के मामले पर इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में बताया गया है कि कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की हमारे इस प्लान में शामिल नहीं। गैर मुल्कियों की वतन वापसी को आसान बनाने के लिए वफाकी सूबाई सतह पर हेल्पलाइंस बनेंगी। उनका कहना था कि सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी पर कमेटी बनेगी। डेडलाइन के बाद हुकूमत फैसला करेगी कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों से कैसे डील करना है। पाकिस्तान ने अफगान जिलजिला मुतासरीन के लिए इमदाद की ऑफर की थी। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया में अमन और डायलॉग की हिमायत की है। पाकिस्तान ने कभी भी किसी जंग का आगाज नहीं किया। इसराइल की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी अरब और पाकिस्तान के इश्तराक से जिद्दा में इस्लामी तावन तंजीम का अजलास मुनक्किद हुआ है। निगरान वजीर खारजा ने इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े की बुनियादी वजह दो रियासती हल पर अमल दरामद न होना करार दिया है। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कश्मीर पर बात करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ जारी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भारत ने श्रीनगर जामा मस्जिद को सील किया। भारत मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात की गैर कानूनी गिरफ्तारियों को रोके। तर्जमान दफ्तर खारजा ने मजीद ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सपोर्ट जारी रखेगा। मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि भारत में साफियों पर मुकदमा दर्ज करना भारत का अंदरूनी मामला है। वर्ल्ड कप मेज़बान होने के सबब भारत से इसकी जिम्मेदारियाँ पूरी कराना ICC का काम है।
अफसोस है कि भारत की जानिब से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को भी वीज़ा जारी नहीं किए गए। उनका कहना था कि सऊदी अरब में 12,000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट के मामले पर तहकीकात जारी हैं। तर्जमान दफ्तर ख्वाजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने बताया कि कल वज़ीर आज़म अनवार उल्हक काकड़ की चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात, सीपेक पर तबादला ख्याल किया गया। चीन के सदर शी जिनपिंग से अनवार उल्हक काकड़ आज मुलाकात करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख्वाजा ने बताया कि निगरान वज़ीर आज़म ने यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से भी मुलाकात की, जिसके दौरान गजा की सूरतयाल पर बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म अनवार उल्हक काकड़ बेल्ट एंड रोड फोरम के तीसरे इजलास में शिरकत के लिए चीन गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ इफ्तिताही इजलास के बाद वज़ीर आज़म ने फोरम से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं से मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म अनवार उल्हक काकड़ रूसी सदर प्यूटन और चीनी हम मनसब से भी मिले। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म उरुमची का दौरा भी करेंगे और कल वतन वापस पहुँचेंगे। जी नाज़रीन, इमरान खान की तरफ से साइफर को पब्लिक करने का इशू जोर पकड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इमरान खान को शदीद सियासी नुकसान भी हो सकता है। यानी इन्हें सरकारी राज अफशा करने के जुर्म में नाइल भी करार दिया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म जैसे अहम तरीन ओहदे पर रहकर सरकारी राज को अफशा करने की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा सज़ाए मौत भी है। इस सिलसिले में वज़ारत ख़ारजा को मुतनाज़ा सैफर भेजने वाले साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद को यकीन है कि एक खुफिया सफारती केबल अफशा किए जाने से हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम या मवासलाती निज़ाम की सालमियत को नुकसान पहुँचा और पाकिस्तानी सफारतकारों की साख मुतासर हुई। ये बात अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद ने सैफर केस में अपने तहरीरी बयान में कही, जो वफाकी तहकीकती एजेंसी यानी FIA के तफ्तीशी अफसर के सामने रिकॉर्ड किया गया। उनका कहना था कि साइफर भेजना बैरून मुल्क सफारती मिशंस का मामूल है। इस खुफिया साइफर में धमकी या साजिश जैसे अल्फाज का कोई हवाला नहीं था। असद मजीद का ये बयान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के वकील के हवाले कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि इन दोनों सरकर्दा रहनुमाओं को साइफर के खुफिया मतन को आम करने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज की गई FIR में मरकजी मुलजमान के तौर पर नामजद किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ खसूसी अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कार्रवाई के दौरान इस्तखाजा ने चालान की कॉपियां और गवाहों की शहादतें वकील दिफा के हवाले की। याद रहे कि 2022 में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने के बाद उन्होंने साइफर को बुनियाद बनाकर अमेरिका पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश कर रहा है। साबिक सफ़ीर असद मजीद के बयान के मुताबिक, बतौर एक फॉरेन सर्विस प्रोफेशनल मैं ये समझता हूँ कि साइफर वाक़े ने हमारे मवासलाती निज़ाम की सालमियत, हमारे सफारतकारों की साख और सफारतकारी को नुकसान पहुँचाया है, जिसके हमारे मुस्तकबिल के सफारती रिपोर्टिंग कल्चर पर मनफी असरात मरतब होंगे। फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 22 ग्रेड के अफसर डॉक्टर असद मजीद इन 30 गवाहों में से एक हैं, जिनका हवाला इस्तखाजा ने साइफर केस में पेश किए गए चालान में दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जुनूबी व वस्ती एशिया उमूर डोनाल्ड लू से उनकी मुलाकात पहले से तयशुदा थी। उनके मुताबिक मुलाकात के दीगर शुरका में डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेस्ली वेगोरी पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टर असद मजीद के अलावा डिफेंस अताशी ब्रिगेडियर नोमान एवान, डिप्टी चीफ ऑफ मिशन नवीद बुखारी और कौंसलर पॉलिटिकल कासिम मोयुद्दीन शामिल थे। उन्होंने कहा कि दोनों फरेकेन को इस बात का इल्म था कि इस बातचीत के मिनट्स तैयार किए जा रहे हैं। इस बातचीत की तफसीलात एक खुफिया कोडेड कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए इस्लामाबाद को भेजी गई थी, जो पाकिस्तान के गैर मुल्की मिशंस और वजारत खारजा के दरमियान रबते के लिए इस्तेमाल होता है। उन्होंने वादा किया कि साइफर भेजना बैरून मुल्क सफारती मिशंस का मामूल है। इस खुफिया साइफर में धमकी या साजिश जैसे अल्फाज का कोई हवाला नहीं था, ना ही मैंने किसी साजिश की मौजूदगी के बारे में कोई बात की थी। यह इस्लामाबाद में उस वक्त की कयादत की तरफ से अक्स करदा एक सियासी नतीजा था। साबिक सफीर ने कहा कि पाकिस्तान ने जवाब में डिमार्श जारी किया और साइफर टेलीग्राम का जायजा लेने के बाद कौमी सलामती कमेटी के इजलास में यह नतीजा अक्स किया गया कि गैर मुल्की साजिश का कोई वजूद नहीं है। ये सूरतेहाल इमरान खान के लिए रफ्ता रफ्ता मुश्किलात से दोचार करती दिखाई दे रही है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान
जी एम जमाली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।